ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਬਥਿੰਕਸ ਮਾਦੀ ਹੋਣੀ। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने उस पेड़ के नीचे, जिसको बाद में बोधि का वृक्ष कहा गया। वृक्ष तो शब्द पाली का नहीं है, संस्कृत भाषा है, रुख बोलते हैं, यानी बोधि रुख कहा गया, या बोधि मूल, मूल माने जड़ उसका। तो आता है सन्नी सिन्नो बोधि मूले, यानी कि उस वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे बैठे हैं। तो ज्ञान प्राप्त हुआ, सिंपल साधारण सा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारे जितने पाप थे वो निकाल दिए, और जितने शरीर में पुण्य थे, जितने शरीर में सुख थे, जितने शरीर में बढ़िया स्थिति थी वो रह गई। व्यक्ति की जब पैदा होता है तो उसके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां सारी यहां आके बनती हैं और बढ़ती हैं। उन्होंने अपनी सारी बुराई निकाल दी, अच्छाई रह गई, वो शुद्ध हो गए, परिशुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, बोधिसत्व हो गए, बुद्ध हो गए। तो उन्होंने अपना ये ज्ञान का जो स्कूल है, ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान की जो यूनिवर्सिटी है, वो लगा दी और लगे लोगों को पढ़ाने। संसाधन तो ज्यादा होते नहीं थे, पैदल ही चलना होता था, कहीं भी आओगे जाओगे महीनों लगते थे। तो जगह 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 जंगल साफ करते और वहां पर राम बनाते, राम या आराम बोलते हैं, यानी बगीचा विहार भी बोलते हैं। तो राम या आराम बनाते वहां पर, और वहां 50 दिन 60 दिन 2 महीने पढ़ाते लोगों को। लोग आते पढ़ने के लिए, शुरू शुरू में तो कठिनाई हुई, मगर बाद में लोग सीखते गए, लोगों को लाभ होता गया, तो भीड़ बढ़ती गई, भिक्खु संघ भी बढ़ गया, लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ सीखते गए, सिखाते गए। तो हुआ ये कि भगवान बुद्ध ने इतना ज्यादा लोगों को पढ़ाया, इतना ज्यादा समझाया, इतना ज्यादा लोगों का पाप दूर किया कि शैतान को दिक्कत हो गई। अब शैतान क्या है? शैतान वही है जो भगवान बुद्ध ने अपने शरीर से निकाला, यानी सारी बुराई, सारी बुराइयों के समूह को सरदार को शैतान कहते हैं। और जो बुराइयों का समूह शैतान है वो अकेला नहीं है, वो क्या करता है, वो आपको मारने के लिए अपनी सेना भेजता है, यानी कि अपने सिपाही भेजता है, अपनी सेना भेजता है शैतान। उसको यहां देवपुत्र मार बोला गया है, जगह जगह हम इसको शैतान का नाम देते हैं। आप देवपुत्र मार बोल सकते हैं, शैतान बोल सकते हैं, शैतान जल्दी समझ में आता है। तो शैतान की सेना कैसी है? बड़ी मजेदार सेना है। शैतान की सेना है लालच है, क्रोध है, काम वासना है, खाने की वासना है, सुनने की वासना है, देखने की वासना है, चखने की वासना है, काया की वासना है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, लालच है, आलस है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं निगेटिव जितनी भी हैं वो सब उसकी सेना है। इसमें भूख भी आती है। तो ये सारी सेना का वो एक कोई ना कोई सिपाही आपके अंदर भेजने की कोशिश करता है। गुस्सा भी यानी क्रोध भी उसकी सेना है, तो वो लगातार कोशिश में रहता है कि कोई सिपाही चला जाए कैसे ही इस व्यक्ति के अंदर। तो जो हर व्यक्ति में, हर सेना के अंदर शैतान होता है, यानी उसके टुकड़े बने हुए हैं, हर सिपाही के अंदर शैतान है, हर बुराई के अंदर शैतान है। एक आएगी साथ में, जैसे शराब पीने की है, नशा करने की है, या हिंसा करने की है, या चोरी करने की है, या झूठ बोलने की है, या मिथ्याचार की है, यानी कि झूठा व्यवहार करने की है। बस एक कैसे ही अंदर चली जाए, शरीर के अंदर पहुंच जाए, इंजेक्ट हो जाए, वायरस समझ लो आप इसे, विषाणु समझ लो, उसके बाद तो शैतान उसके साथ आता है और फिर वो बाकियों को भी फैलाना शुरू करता है, उससे पैदा हो जाती है बाकी। ये शैतान की खास बात है। तो बुद्ध ने जैसे जैसे पढ़ाना शुरू किया, शैतान एक एक करके सेना उसकी मनने लगी, लोगों ने लालच छोड़ दिया, लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया, लोगों ने करुणा मैत्रा भाईचारा सीख लिया, उन्होंने हिंसा छोड़ दी, उन्होंने शराब छोड़ दी, नशा छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी, एक एक करके उन्होंने सेना को मारना शुरू कर दिया। शैतान शैतान मर गया। जब शैतान की सेना मर गई तो शैतान मर गया। तो शैतान बड़ा परेशान हो गया। शैतान ने कहा कि मैं तो खत्म हो गया, अब मैं रहा नहीं, ये बुद्ध आया तो बुद्ध ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, हर आदमी यहाँ संत हो गया, संत का मतलब शांत हो गया, अब मैं कैसे करूं, मैं घुसना भी चाहता हूं तो ये घुसने नहीं देते, क्योंकि पहरा लगा रखा है, इसको सिखाया हुआ है, सारे लोग जानते हैं कि शैतान कैसे अंदर आता है, सबको पंचशील दिया हुआ है, सबको बताया हुआ है, ये 5 बात मानते रहना, शैतान कभी नहीं आ सकता आपके शरीर में। पंचशील 5 बात है, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और शराब नशा नहीं करना। बस ये 5 चीज मानते रहना, कभी जिंदगी में शैतान एंटर नहीं करेगा, ना घर में ना आपके शरीर में। तो शैतान लगभग मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया, उसकी खुराक बंद हो गई, उसे शिकार मिलने बंद हो गए। तो उसने कहा कैसे किया जाए। तो शैतान की बड़ी खास बात है कि शैतान कोशिश करता रहता है, ललचाता रहता है। जैसे आज के समय में आप शराब के बड़े बड़े ऐड देखते हैं, सिगरेट के ऐड देखते हैं, तंबाकू के ऐड देखते हैं, औरतों को देखते हैं आधे आधे कपड़ों में, रंग बिरंगी पार्टियां देखते हैं,
क्लास छलकाते हुए, या जो पिक्चरें देखते हैं आप हिंसा की पिक्चरें सारी जिसमें मार धाड़ होती है, फाइटिंग होती है, या जो आप मारा मारी की जितनी फिक्शन पिक्चर देखते हैं, या जो चोरी की नई नई ट्रिक्स दिखाते हैं पिक्चरों के अंदर, या जो व्यभिचार आता है वो दिखाते हैं, वो सब आपके दिमाग में डाले जाते हैं। तो वो शैतान कोशिश करता है कि आपके मन में कैसे ना कैसे वो कुछ ना कुछ पहुंचा दे, कोई ना कोई लालच पहुंचा दे, कोई ना कोई चीज़ पहुंचा दे, या किसी औरत के खूबसूरत कपड़े हैं तो आपका मन करे कि मेरे भी खूबसूरत कपड़े हैं तो वो पहुंच जाता है, किसी आदमी ने अच्छी टाई लगा रखी आपका मन करे अच्छी टाई चाहिए तो वो पहुंच गया, यानी पहुंचना चाहिए। तो शैतान अपनी जब पूरी कोशिश करता है पहुंचने की, तो शैतान कई बार क्या करता है कि सामने वाले को उकसाता है, उसको क्रोध लेके आता है, कोई हरकत ऐसा करेगा, बार 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 कोशिश करता रहता है कि आप शैतान को गाली देना शुरू कर देते हो। जबरदस्ती कोई व्यक्ति जो शैतान के रूप में भारत के अंदर है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा कि आप उससे परेशान हो जाओगे। आप तो शांत हो तो वो आपकी शांति को अशांति में बदलने के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, और उल जुलूल करेगा और बेकार का करेगा, जिससे ना देश का कोई लेना देना है, ना किसी राज्य का लेना देना है, ना किसी घर का, ना किसी मोहल्ले का, ना किसी व्यक्ति का, बेकार की हरकतें करेगा, जिसे आप समझते हो कि ये हरकतें देश को डुबा रही हैं, ये व्यक्ति को डुबा रही हैं, ये परिवार को खत्म कर रही हैं, ये शराबी बना रही हैं, ये कबाबी बना रही हैं, ये जुआरी बना रही हैं, और ये जानते हुए भी वो लगातार कोशिश करेगा। तो आप इरिटेट होकर क्या करोगे, उसको गाली बकोगे या क्रोध करोगे या गुस्सा करोगे, बस यही चाहता है शैतान। फिर शैतान जोर से हंसता है, हंस के क्या कहता है, बन गए ना तुम शैतान। शैतान का क्वालिटी क्या होता है, गाली देना। शैतान का क्वालिटी क्या होता है, इरिटेट होना। शैतान का क्वालिटी क्या होता है, क्रोध करना। शैतान किसे कहते हैं, जो हिंसा करे, और मैंने तुम्हें अपने जैसा बना लिया, देखो मैंने तुम्हें इतना परेशान किया कि तुम क्रोध भी आ गया तुम्हें, तुम हिंसा के लिए उतारू हो गए, तुम मारने के लिए उतारू हो गए, अब तुम क्रोध में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि क्रोध आने के बाद में बुद्धि बंद हो जाती है, ये क्रोध का सिद्धांत है, क्रोध आया नहीं बुद्धि का ताला लगा नहीं। तो वो कहता है देखो अब तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, अब तुम भी शैतान हो और मैं भी शैतान हूं, मैं भी क्रोध करता हूं तुम भी कर रहे हो, तो शैतान सफल हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम शैतान को गाली बक रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम शैतान को कुछ क्रोध कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम शैतान को मार रहे हैं, मगर दरअसल हम शैतान को मार नहीं रहे, हम शैतान को जिंदा कर रहे हैं, ये शैतान की थ्योरी है। यानी आपने गाली बकी नहीं और आप शैतान बने, आपने हिंसा की नहीं और आप शैतान बने, आपने चोरी की नहीं और आप शैतान बने, यही तो काम है शैतान का। तो शैतान अपनी संख्या बढ़ा लेता है, यानी जो संत हैं उनमें से अगर चार लोगों को उसने अपने जैसा बना दिया, उनको गुस्सा आ गया, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी, उन्होंने नशा शुरू कर दिया, तो चारों उसकी टोली में शामिल हो गए, फिर वो शैतान की तरफ आ गए, अब वो संत नहीं है। अब कहने को वो कहते रहे कि हम संत थे, जब थे तो थे, अभी तो तुम छोड़ दोगे ये काम तो फिर संत बन जाओगे। तो भगवान बुद्ध ने सभी को संत बना दिया और शैतान झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो गया। शैतान भगवान बुद्ध के बिहारों के बाहर झाड़ू लगाते थे, कूड़ा उठाते थे, नमस्कार करते थे, कहते हमारी तो रोजी रोटी खत्म होगी, मर गए हमें खाने को कुछ नहीं है, और भगवान बुद्ध कहते थे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मेरा जो भिक्खु है वो भूखा रह लेगा मगर हिंसा नहीं करेगा, मेरा जो उपासक है वो कम खा लेगा मगर किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, मेरा जो उपासक है वो शराब नहीं पिएगा चाहे कोई फ्री की दे। इससे शैतान मरा और भारत बहुत अच्छी तरह से चला। बाद में फिर शैतान ने अपनी ताकत दिखाई, यहाँ शराब भी आ गई, यहाँ व्यभिचार भी आ गया, यहाँ जुआ भी आ गया, यहाँ नशा भी आ गया, यहाँ पता भी आ गया, यहाँ हिंसा भी आ गई, यहाँ पिक्चरों में खूब ज्यादा करप्शन भी दिखाया जा रहा है, सब चीज पूरे भारत में आ गई और अब शैतान का राज हो गया। अब जगह 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 हर व्यक्ति शैतान का एजेंट बन गए, शैतान का व्यक्ति बन गए, छोटा शैतान और बड़ा शैतान बन के घूम रहा है। अब शैतानों में कंपटीशन हो रहा है, संत तो बेचारे एक साइड में घर में कहीं बैठे हुए हैं, शैतान इस समय पूरा खेल खेल रहा है, कंपटीशन है कि तू बड़ा शैतान है या मैं बड़ा शैतान हूं, और शैतान पूरा खुश है, पूरा ठा लगा रहा है कि देखो मेरा कितना बढ़िया राज चल रहा है। हालांकि भगवान बुद्ध का चक है वापस आ गया है, 70 साल हो गए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो कहा था कि एक बुद्ध का यानी पाप का जो समय होता है वो 2500 साल में डाउन होता है, भगवान बुद्ध यानी बुद्ध जब कोई बनता है तो उससे लेके और 2500 साल तक ये धीरे धीरे जो पाप है वो बढ़ता है, शैतान बढ़ता है, और 2500 के बाद में फिर शैतान कम होना शुरू हो जाता है और जो संत हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, अच्छे लोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो समय आ गया है, 70 साल हो गए, बाबा साहब ने जो 1956 में 10,000 लोगों को धमकी दीक्षा दी थी वहां से ये आरंभ हो गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर शैतानियत बहुत तेजी से खत्म हो रही है और होगी, लोग बहुत तेजी से अब जो सदाचार है उसको फॉलो करेंगे,
बुद्ध के नाम से करें या ना करें बुद्ध को फर्क नहीं पड़ता। और बुद्ध का कोई व्यक्ति कहता भी नहीं, कोई भिक्खु कहता भी नहीं कि आओ मेरे समुदाय में आओ या मेरे साथ आओ या मेरे ग्रुप में आओ, ऐसी कोई परंपरा बुद्ध ने बनाई भी नहीं। सीखो, सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो शैतानियत खत्म करो अपनी, और जो संत है वो संत अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। संत बाहर से नहीं आता, संत शरीर के अंदर होता है, मन के अंदर होता है, शैतान उस पर अपने काले बादल छा के रखता है। जैसे ही बादल हटते हैं वैसे ही संत निकल के बाहर आ जाता है। शराब छोड़ोगे संत बन जाओगे, जुआ छोड़ोगे संत बन जाओगे, हिंसा छोड़ोगे संत बन जाओगे, व्यभिचार छोड़ोगे संत बन जाओगे। संत बाहर से नहीं आता, संत बनाना नहीं पड़ता, संत बना हुआ हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति संत होता है, बस शैतान वाला जो बादल है वो हटाना है। धन्यवाद। संघं शै